प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कितने खोखले हैं, इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। आगरा में शहीदों के डर और खौफ के चलते एक छात्रा का स्कूल जाना बंद हो गया है, घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। आलम यह है कि पीड़ित छात्रा ने अब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। अपनी मां के साथ डरी सहमी आगरा पुलिस स्टेशन पहुंची उत्तर प्रदेश की इस बेटी का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते। इस बेटी का दर्द आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि महिला सुरक्षा के दावे आखिर क्यों सिर्फ दावे बनकर रह गए हैं। आगरा के सैनिक विहार कॉलोनी में रहने वाली इस छात्रा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ शहीदों की गंदी नजर इस पर पड़ी और फिर आए दिन पड़ोस के रहने वाले युवक इससे छेड़खानी करने लगे। शहीदों के डर से छात्रा का स्कूल जाना बंद हो गया, पढ़ाई छूट गई और तो और घर से निकलना भी दूभर हो गया। वो ऐसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से रोक लेता है, धमकी देता है, टच करने की कोशिश करता है। कम से कम 2-3 महीने हो गए और शिकायत भी करे, बेल हो गई या फिर से वही हरकतें दोहराने में लगा हुआ है। जेल होकर आ चुका है, फिर से हाँ फिर से परेशान कर रहा है। उसके नाम क्या है? हरेंद्र, सुमित और एक और है, उसका नाम मुझे नहीं पता। थक हार कर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद उसकी हरकतों ने एक बार फिर छात्रा की जिंदगी में डर और खौफ पैदा कर दिया। आरोपी अब पीड़ित पर एसिड अटैक की धमकी तक दे रहा है। हरकतें करता है, लड़की स्कूल में जाती है रोक लेता है, ट्यूशन जाती है जब रोक लेता है। अब मम्मी पापा हर समय साथ में तो रह नहीं सकते। तो आपने इसका स्कूल इसने डर की वजह से खुद ही छोड़ दिया और ट्यूशन भी छोड़ दिया, ट्यूशन भी नहीं जाती है। चाहते हैं कि उसको लड़के को सजा मिले, हमारी लड़की की पढ़ाई पूरी हो, उसके सपने साकार हों। शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा का सपना IPS बनने का है, लेकिन शहीदों के डर के आगे उसकी हिम्मत और कोशिश दम तोड़ रही है। हालांकि पुलिस के आला अफसर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो इनकी शिकायत हमने सुनी और थाने को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि अगर ऐसी बात है इनके तरफ से फिर से परेशान किया जा रहा है तो बेल कैंसिलेशन की रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाए, ताकि उसकी जो बेल हुई है उसके शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उसकी बेल कैंसिल हो जाए। जिस राज्य में बेटियां शहीदों के डर से स्कूल जाना बंद कर दें, घर की दहलीज से कदम खींच लें, वहां महिला सुरक्षा के दावों में कितना दम है इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। विवेक पाठक, इंडिया 24/7, आगरा।